ओके गैलेक्सी S22 एंड FE 5G डिवाइस अगर आप लोगों में से कोई इस्तेमाल करते हो तो इस वाले डिवाइस को मिल चुका है एक अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट। अगर इस डिवाइस को यूज करते हुए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस डिवाइस के ऊपर सारे लेटेस्ट वीडियोज हमारे चैनल में मिलते रहते हैं। और इस अपडेट में क्या क्या नया चीज है चलिए देख लेते हैं। तो भाई इंडिया में तो ये फ़ोन भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिका है, मुझे लगता है अभी के टाइम पे दी मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। एंड भाई हाँ सैमसंग इसके ऊपर जो अपडेट्स वगैरह है वो देता हुआ आ रहा है। एंड फाइनली अपडेट के बारे में बात की जाए तो इस फ़ोन में अपडेट सभी को ही मिल चुके हैं, देख सकते हो ये वाला अपडेट है एंड करीबन 1 GB का अपडेट है, 1132.59 MB का अपडेट है, तो बहुत ही बड़े साइज का अपडेट है भाई। चलो ज़्यादा बात ना करके मैं अपडेट को कंप्लीट कर लेता हूँ, बट सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर लेना। अपडेट के दौरान अगर फ़ोन में चार्ज खत्म हो जाता है तो आपका फ़ोन खराब भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये जो अपडेट है हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में, और मैं बता दूँ ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट के आसपास लगे इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने में, बिकॉज दिस इज़ अ बिग अपडेट फ्रॉम सैमसंग। एंड इस अपडेट को करते हुए मुझे बहुत टाइम लग गया था। इस बार नॉक सिक्योरिटी वर्जन जो था उसको भी चेंज किया गया इस अपडेट के बाद, ये चीज़ मुझे पहले ही नोटिस हो गया था, बिकॉज इससे पहले जो नॉक सिक्योरिटी वर्जन था वो आपको सिर्फ 3.0 देखने को मिलता था, बट यहाँ पे 3.9 वर्जन मतलब सिक्योरिटी में एक नया आपको अपडेट देखने को मिल रहा है जो कि नॉक्स वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत सही लग रहा है। आगे नीचे में आप देख सकते हो अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल 2023 का ऐड हो चुका है, हालांकि ये सितंबर का महीना है बट फिर भी आपको अगस्त का एक अपडेट और आपको सितंबर महीने में देखने को मिल रहा है, मतलब इस महीने लगभग 2 अपडेट आपको प्रोवाइड किया गया सैमसंग की तरफ से। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस अपडेट मैंने गूगल प्ले सिस्टम अपडेट इसमें टैप करके देखा कि इस फोन में लेटेस्ट और एक अपडेट आया है जो कि गूगल प्ले का सिस्टम अपडेट है जिसका साइज है 11 MB का। मेक श्योर दैट इसको भी आप लोग अपडेट कर लेना, बिकॉज ये बहुत ही एक रोल प्ले करता है अपने फोन में अपडेट आने के लिए एंड अपने एप्स में अपडेट्स को लगातार देने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसको जरूर भाई आप लोग इंस्टॉल कर लेना डाउनलोड करने के बाद। तो मैं इसको बाद में कर लूंगा, इसको स्किप कर देता हूँ। बाकी एक चीज मुझे बहुत सही लगा कि रिमास्टर पिक्चर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इन्हेंसमेंट इस बार किया गया है। हाँ भाई 1 GB का अपडेट है, उतना खास चीज़ तो नहीं मिलता, बट देख सकते हो ये बिफोर है एंड ये आफ्टर है, बिफोर आफ्टर में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत इन्हेंसमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आफ्टर में बिफोर में, तो यहाँ से ही पता चलता है कि सैमसंग वर्क कर रहा है अपने इन सारे एप्लीकेशंस के अंदर। बाकी जो फोटोज़ वगैरह है वो मैं क्लिक करके ज़रूर देखूंगा कैसा यहाँ पे आपको जो अपडेट्स में फोटोज़ वगैरह के इन्हेंसमेंट है वो देखने को मिल रहा है, सब कुछ मैं चेक करूंगा। बाकी देख सकते हो कुछ नया तो देखने को नहीं मिल रहा, बट एक चीज़ ये कलर टोन ऑप्शन ये फिर से ऐड किया गया है, देख सकते हो नेचुरल एंड ब्राइट करके, बट एक चीज़ ध्यान रखना ये फ्रंट कैमरा के लिए ही सिर्फ है, अगर आप बैक कैमरा से वीडियोज़ वगैरह या फिर फोटोज वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ एंड ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये पहले से ही था, बट अगर आप फ्रंट कैमरा में चलते हो तो यहाँ पे एक लेटेस्ट चीज नेचुरल एंड ब्राइट करके इसको ऐड किया गया है, ठीक है ये चीज पहले नहीं था, ये फिर से जुड़ा गया है। आगे इस फोन के अंदर आपको बैटरी इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, बिकॉज बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इस अपडेट करने के बाद जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कैसा है मैं जरूर आपको कुछ दिन यूज करने के बाद जरूर बताऊंगा, बिकॉज देखो कुछ दिन यूज करके मैं आपको डायरेक्टली बता नहीं सकता, बिकॉज हाल ही में मैंने इस अपडेट को कंप्लीट किया है एंड इसको चार्ज होने में अभी कितना टाइम ले रहा है वो भी मैं जरूर चेक करूंगा एंड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसा इसका परफॉर्मेंस वगैरह अभी आ रहा है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे वर्म हुआ है फोन ड्यूरिंग अपडेट टाइम, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, इसके पहले भी ये फोन वर्म होता था गर्म होता था जब भी मैं अपडेट करता हूँ या फिर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, तो उतना मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिला है। S21 FE को जब तक से मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग 1 साल होने वाला इस फ़ोन को मेरे पास, तो बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ। बाकी मैं आपको बता दूँ एंड्रॉयड 13 के साथ साथ आपको एंड्रॉयड 14 अपडेट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर, One UI 6.0 का भी अपडेट बहुत जल्दी आ रहा है, तो अगर आप में से कोई इस डिवाइस को यूज़ करते हो ज़रूर इस अपडेट के लिए वेट करना एंड हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये अपडेट बहुत जल्दी इस फ़ोन में आने वाला है।
क्या सोच रहे हो, ये जो कवर है ये मुझे कहाँ से मिला? मैंने स्प्रीक के तरफ से इसके लिए कवर मंगवाया था। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, जरूर देख लेना। अगर आपको प्रीमियम इनहैंड फील वाला कवर चाहिए जिसके पीछे में कपड़ा लगा हुआ हो और आपके फोन में कोई भी स्क्रैच या फिर खरोज वगैरह ना आए, तो आप इस कवर को जरूर यूज कर सकते हो। सॉफ्ट कपड़े के साथ साथ इस कवर में आपको शॉक प्रूफिंग भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारे इनहेंस फीचर लेके आता है एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के कवर मुझे लगते हैं ये। मैं स्प्रीक की तरफ से बहुत सारे कवर इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये मेरे लेटेस्ट डिवाइस पे भी अभी लगा हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर वहां से जाके परचेज कर सकते हो।